I hope all you will be fine. Now today we are going to make table lamp. We have to take two squares. Okay students, ये दो papers हैं हमारे पास. इसको एक proper square में cut करते हैं हम. देखिए students, ये हमारे पास दो square हैं. एक square लेते हुए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लाइन तो यहाँ पे हमारे पास प्रोमिनेंट हो रही है, दूसरी लाइन भी एक और हम प्रोमिनेंट करेंगे. हमारे पास ये एक ट्रायंगल की लाइन प्रोमिनेंट हो गई, ठीक है. इस तरह से दूसरी लाइन भी प्रोमिनेंट करेंगे हम. लाइंस को ध्यान से प्रोमिनेंट कीजिएगा, आगे पीछे लाइन ना हो जाए. देखिए एक लाइन हमारे पास ये आ गई, दूसरी ये. हमने कॉर्नर्स लेने हैं, चार कॉर्नर्स हैं हमारे पास, जिसमें से हमने एक कॉर्नर लेते हुए इस कॉर्नर को लेते हुए मिड पॉइंट से मैच करना है. मिड पॉइंट से मैच करते हुए इसे प्रेस करते हैं हम, ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल बन गई. सेकंड ट्रायंगल की तरफ मूव करते हुए इस कॉर्नर को लेते हुए मिड पॉइंट पे मैच करेंगे और हमारे पास ये सेकंड ट्रायंगल रेडी हो गई. स्टूडेंट्स स्टेप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ठीक है. एक हमने कॉर्नर लिया, उसको मिड पॉइंट पे मैच किया. इसी तरह से सेकंड कॉर्नर लेते हुए उसे भी मिड पॉइंट पे मैच किया. सेम प्रोसेस के साथ थर्ड कॉर्नर को भी मिड पॉइंट पे मैच करेंगे. ये देखिए तीनों इक्वल साइज की ट्रायंगल हमारे पास आ गई. अब हमने क्या करना है कि दरमियान में हमारे पास ये जो लाइन शो हो रही है, बिल्कुल दरमियान से इसको हम ये देखिए इस कॉर्नर से मैंने लिया. ये देखिए ये कॉर्नर हमारा बेंड हो जाएगा, फोल्ड करेंगे. ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप बन गई, ठीक है. स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? देखें यहां पे मैंने सबसे पहले ट्रायंगल तीनों एजेस की ट्रायंगल मेक की है, देन मैंने उसे मिड पॉइंट से फोल्ड कर दिया है, ठीक है. ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई. अब जो ये हमारा फोर्थ कॉर्नर है, फोर्थ ट्रायंगल है, उसको हम ऊपर की तरफ मतलब कि ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है. अब हमारे पास इस कॉर्नर को हम यहां पे मैच करते हैं, ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस कॉर्नर को हमने सबसे पहले हमारे पास जो फोर्थ कॉर्नर रह गया था उसको हमने ओवरलैप किया रेक्टेंगल के ऊपर, देन हमने वन साइड जो है हमारी उसको हमने फोल्ड किया और प्रेस कर दिया, ठीक है. जो अदर साइड है हमारी उसको भी सेम प्रोसेस के साथ वैसे ही बेंड करेंगे. इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स. देखें ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है. अब इस ये ट्रायंगल हमारा लैंप का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. लास्ट स्टेप है ये लैंप का, हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स. क्लियर है आपको? देखिए यहां पे मेरे पास ट्रायंगल थी, मैंने फ्रंट साइड से पकड़ के बैक साइड की तरफ इसको बेंड किया है और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका रेडी हो गया है. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन स्केयर के अंदर ऑलरेडी दरमियान में एक लाइन बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये लाइन का ध्यान रखिएगा, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करते हुए लाइन आगे पीछे हमारी ना हो. ये देखिए थोड़ा सा भी इसमें अगर फर्क होगा
थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट वो ख़राब हो सकता है। हमने ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई, जैसे वहाँ पे हमने मिड पॉइंट निकाला था, इसी तरीके से हम इसमें मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे। दो एजेस हैं इसके, दो कॉर्नर्स ले लेंगे, इन दोनों कॉर्नर्स को हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से करके ये लाइन के अकॉर्डिंग इस पार्ट को इस लाइन के ऊपर हम ओवरलैप करेंगे। देखिए इसके लेफ्ट साइड राइट साइड को हमने क्या किया है इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको भी इसके साथ मैच कर लेंगे इस लाइन के ऊपर। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? अब देखिए ये हमारे पास एक कॉर्नर बन गया कॉन टाइप। अब थर्ड पार्ट इसका देखें, इस कॉर्नर को हमने यहां तक इस एज तक इसको मैच करेंगे और बेंड कर देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप है इसका, इस कॉर्नर को लेते हुए हमने इसके लास्ट पॉइंट तक रखना है, इस एंड को एंडिंग पॉइंट को लेते हुए दूसरे एंडिंग पॉइंट तक लेके जाना है। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, सबसे पहले हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद हमारे पास एक दरमियान में लाइन ड्रॉ हो गई, हमने इस कॉर्नर को पकड़ते हुए इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर दिया। ठीक है, इसी तरह से सेम स्टेप फॉलो करते हुए सेकंड साइड के साथ भी हमने वही प्रोसेस किया। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड जो हमारा कॉर्नर था उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारा फोर्थ कॉर्नर था उसको हमने लेते हुए इस कॉर्नर पे ओवरलैप करके बेंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमारे पास एक टेबल लैम्प बन गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको तमाम स्टेप्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में इसको फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स को इनको फॉलो कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।